हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई एम बैक विद द चटपटा गॉसिप ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अभी काफी हद तक प्रॉब्लम चल रहा है, जहां पे जेठालाल के किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी अब इस शो से कुछ टाइम के लिए ब्रेक चाहते हैं। अपने परिवार समेत वो तंजानिया गए है एक धार्मिक ट्रिप पे, जहाँ पे वो स्वामी नारायण फंक्शन में हिस्सा लेने वाले है। साल 2008 से तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है सब टीवी में, जहाँ पे दिलीप जोशी जेठालाल का कैरेक्टर में कभी भी कोई भी तरीका का बदलाव नहीं है। जैसे वो पहले ही दर्शकों का एक फेवरेट कैरेक्टर था, वो अब भी 15 साल बाद भी दर्शकों का फेवरेट कैरेक्टर है। मैं बता देती हूँ कि दिलीप जोशी ने कभी भी छुट्टी नहीं ली, उन्होंने काफी हद तक कम छुट्टी ली और हमेशा अपने किरदार को बाखूबी से बनाया। बट अब वो कुछ दिन के लिए इस शो से छुट्टी चाहते हैं और अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। जहाँ पे इस शो में काफी हद तक विवाद भी चल रहा है, ये सुनने को मिला है कि शो में आशीष काम करने वाले ये कहे कि उनको इस शो में अच्छा से ट्रीट नहीं किया जा रहा था, के वजह से उनको ये शो को छोड़ना पड़ा। लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। मैं तो जानने के लिए काफी हद तक एक्साइटेड हूँ, जो मुझे पता चलेगा आपको जरूर बताऊंगी। और जानने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तब तक लिटेड अप, बाय बाय।